बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AF कार के नाम से। जो भी नए आने वाले दोस्त हैं, तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टायर्ड सकोरे, जो कि गोल्डन कलर है, 12 मॉडल है और 13 की रजिस्टर है, और प्राइस इसके जो हैं 9,75,000 रुपये हैं। थोड़े भी टचअप हैं पेंट, बाकी बिल्कुल ओके है। गाड़ी साफ सुथरी ऑटोमेटिक। चलते हैं इसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू पे हमको मैं दिखा दूं तो इसका बम्पर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, निशांस वगैरह नहीं है, लाइटें बिल्कुल साफ़ मिल रही हैं इसमें, और 850 का मोनोग्राम और जाली मिल रही है। बोनट की तरफ आते हैं तो बोनट भी बिल्कुल साफ़ है, कोई निशांस नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बोनट है, ठीक। और विंडो स्क्रीन मैं आपको दिखाऊं, विंडो स्क्रीन इसकी मैं दिखाऊं तो विंडो स्क्रीन भी आप बिल्कुल साफ़ है, और साइड की रबड़े वगैरह डोरे वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। और इस तरफ से आते हैं तो इसके फेंडर दिखाता हूं मैं। फेंडर पहले आप लाइटें देखें दूसरी वाली, और यहाँ पर कुछ निशान सारे बम्पर को रगड़ लगी हुई बिल्कुल, बाकी बिल्कुल ओके हैं, और लाइट भी बिल्कुल साफ़ है। ये इंडिकेटर मिलता है, और फेंडर आप देखें बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा फेंडर है, और टायर आधी हालत में मिल रहे हैं व्हील कैप के साथ, और ये पूरा फेंडर। और अब हम आते हैं इसकी विंड स्क्रीन की तरफ। विंड स्क्रीन आप देखें तो बिल्कुल साफ़ है, और नीचे का गेट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, फुटपाथ वगैरह बिल्कुल साफ, ठीक है। तो अब मैं इसको ये साइड ग्लास देखें जो आम होता है, अंदर से आप देखें तो बिल्कुल अंदर से भी साफ़ है, और इसमें एक हैंडल और शीशे ऊपर नीचे गिरने का हैंडल, और एक स्पीकर मिलता है। उसकी फुटपाथ आप चेक करें तो बिल्कुल साफ़। अब हम आ जाते हैं इसके पीछे वाले गेट की तरफ। पीछे वाला गेट भी आप विंड स्क्रीन देखें तो बिल्कुल साफ़ है, ऊपर की छत भी आप देखें बिल्कुल साफ़ है, और यहाँ पर आपको पीछे लेके आता हूँ, और यहाँ पर भी आप देखें बिल्कुल पीछे का गेट साफ़ सुथरा गोल्डन कलर मिल रहा है, बिल्कुल साफ़ शफाफ, कोई निशांस वगैरह नहीं है। और यहाँ पर ये इसके फेंडर, और ये इसकी टायर व्हील कैप के साथ मिल रहा है आपको, ये काफ़ी अच्छी हालत में टायर है। और यहाँ पर आपको अब आते हैं हम पीछे वाले गेट की तरफ अंदर से, जो कि यहाँ पर भी आपको देखें एक हैंडल मिलता है, और एक शीशे ऊपर नीचे करने का, और इसकी डोर वगैरह आप चेक करें बिल्कुल साफ़ है, और यहाँ पर भी आपको फुटपाथ भी बिल्कुल ओके मिल रही है। और ये इसका फेंडर, पीछे की लाइट भी साफ़ है, और बम्पर भी पेंट तो है मगर बाकी बिल्कुल ओके हैं, और पूरे टायर हार्ट सो लिखा हुआ है। और इसकी विंड स्क्रीन पीछे की देखें, पीछे की डोरियां देखें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी, कहीं से रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़। और यहां पर आपको डिग्गी दिखाते हैं, डिग्गी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है, और यहां पर डिग्गी पर कोई चांस नहीं, बम्पर बिल्कुल ओके है। CX और ईको और ऑटोमेटिक। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं डिग्गी की तरफ ले जाते हैं, डिग्गी में CNG लगी हुई है, ठीक है। और इसकी ये डोरियाँ वगैरह चेक करें आप, बिल्कुल साफ। और ये इसकी डिग्गी अंदर से देखें आप, अब हम आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड के पीछे वाले गेट की तरफ, फेंडर की तरफ। फेंडर आप देखें यहाँ पर कुछ गाड़ी पे मैंने अपने शोरूम का, और फेंडर की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ डेंट मिल रहा है, बाकी ये बिल्कुल ओके है, साफ़ सुथरा। और पूरा फेंडर आप चेक करें,
ऊपर की छत की आप डोर चेक करें, साफ़ है। और यहाँ पर आपको आते ही पेट्रोल का एक ढक्कन मिलता है जो कि वो भी साफ़ है। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल रस्ट वगैरह नहीं है, साफ़ है। और टायर मिलता है, व्हील कैप ये भी अच्छी हालत में है। और यहाँ पर कुछ निशान आ रहे हैं बिल्कुल, जो कि आप देख सकते हैं, बाकी बिल्कुल ओके है। इसकी विंड स्क्रीन आप चेक करें, यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखें ये इसकी डोर्स साफ। अब आ जाते हैं हम आगे वाले लेफ्ट साइड के फेंडर की तरफ, जो पैसेंजर सीट का गेट होता है। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल साफ। और यहाँ ये डोरी, ये तो कुछ मेन ही ऐसी होती है। और नीचे के गेट की तरफ जाएं तो यहाँ भी बिल्कुल आपको साफ मिल रहा है। और अंदर से आपको दिखाएं तो अंदर की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी हालत में है। और यहाँ पर आपको डोरी और ये फुटपाथ, अब आ जाते हैं हम इसके लेफ्ट साइड के आगे वाले फेंडर की तरफ। आगे वाला फेंडर देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा फेंडर मिल रहा है। और व्हील कैप के साथ टायर मिल रहे हैं। और यहाँ पर बम्पर पर कुछ निशान है, ये साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको गाड़ी का पूरा लुक चेक करें थोड़ा सा। अब हम चलते हैं इंजन रूम की तरफ। ये आ गया इसका बोनट, बोनट की आप डोरियाँ चेक करें। मेन डोरियाँ जो होती हैं ये चेक करने से, अगर कहीं से डोरी टूटी हुई तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। अगर डोरियाँ बिल्कुल ओके हैं तो गाड़ी बिल्कुल ओके है। यहाँ पर आप चेक करें। और ये मेन पट्टी, ये पट्टी भी आपको बता देती है कि एक्सीडेंट्स है या नहीं है। और इंजन रूम आप देख लें, काफ़ी अच्छी हालत में मुझे तो लग रहा है इंजन। और ये चेचिस वगैरह, और ये दूसरा वाला। और बैटरी काफ़ी हाई क्वालिटी की बैटरी लगी हुई है डेवो। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। अब हम आ गए इसके डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड पर आप देखें तो बिल्कुल साफ सुथरा। अच्छा, कितनी चली हुई है गाड़ी ये भी आप अपनी आंखों से देख लें। ये इसका मीटर्स कितनी चली हुई आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप हम आपको डैशबोर्ड की हालत दिखाते हैं, जो कि डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ पे कुछ भी सामान रखने के लिए जगह। और ये इसका ऑटोमेटिक गियर, और ये इसका स्टेयरिंग्स, यहाँ पर ये सब चीज़ें। और ये टेप वगैरह, फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें। एसी वर्किंग में है या नहीं है मैंने चला के नहीं देखा। और ये इसकी सीट पे हैं जो कि थैली चढ़ी हुई हैं। और एसी बिल्कुल वर्किंग में है, ओके है एसी, क्योंकि आजकल गर्मी आ रही है तो लोग एसी पहले पूछते हैं। और ये आ गई पीछे की सीट्स, यहाँ भी पन्नियाँ वगैरह चढ़ी हुई हैं। और ये डैशबोर्ड की पूरा लुक आप चेक करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये गाड़ी पसंद आई हो है। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। प्राइस मैंने आपको पहले बता दिए हैं, 9,75,000 रुपये, 12 का मॉडल, 13 के रजिस्टर्स। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। क्योंकि आजकल ज़रा वीडियो में ताखीर हो रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलेंगी। बहुत सारा ख्याल, बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।